हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बीइंग इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है शेयरिंग इज केयरिंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और एक एक वर्ड की हिंदी मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। और कल का जो पैराग्राफ था हिंदी टू इंग्लिश में, उसमें लास्ट वाला जो था वो मैं बोलती गई, लेकिन उसमें जो वीडियो थी वो नहीं आ पाई, ठीक है। उस वजह से आप लोग नहीं देख पाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आज जो भाई लास्ट है, दो टू लाइंस रह गई थी वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। गौरव सौरव का छोटा भाई है, ठीक है। गौरव इज यंगर, छोटे को क्या हम बोलते हैं, यंगर, YOUNGER। गौरव इज यंगर ब्रदर ऑफ सौरव, ठीक है। वह कक्षा 8 में पढ़ता है। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट। ही रीड्स, वह पढ़ता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया, इन क्लास 8, क्लियर है। वह भी हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज, प्ले के साथ भी हमने एस का यूज किया है क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ही शी इट और किसी नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना ही पड़ता है, ठीक है। यही रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट विद अस, हमारे साथ। तो ये था कल का पैराग्राफ। अभी हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। शेयरिंग इज केयरिंग मीन्स शेयरिंग करना क्या होता है, बांटना, है ना, साझा करना, बांटना। साझा करना ही देखभाल है, ठीक है। केयरिंग, केयरिंग क्या होता है, देखभाल करना। शेयरिंग होता है साझा करना। शेयरिंग इज केयरिंग, साझा करना ही क्या है, देखभाल है या फिर परवाह करना है। शेयरिंग, देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। वहां देयर होता है स्टेट ऑफ बीइंग, लाइक जैसे कोई किसी भी स्टेट को दर्शाना, ठीक है ना, कि क्या उसकी स्थिति है। देयर वर, वहां, थे ज्यादा है, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, इन मीन्स में, अ फॉरेस्ट मीन्स एक जंगल में, एक जंगल में वहां दो दोस्त थे, ठीक है। इसमें भी कोई वो नहीं है वर्ब की फॉर्म, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, वर लगा है तो मीन्स क्या है, ये सिंपल पास्ट का टेंस है जिसमें वॉज वर लगाकर हम बना सकते हैं सिंपल, कि वहां एक जंगल में दो दोस्त थे, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री, एक आम का पेड़ और बनियान होता है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, ठीक है। दे टॉक टू ईच अदर ऑल डे लॉन्ग। दे, वे या फिर उन्होंने टॉक्ड, बात की। टॉक होता है बात करना, टॉक्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, सेंटेंस है। बात की टू ईच अदर, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन उन्होंने एक दूसरे से बात की। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स केम एंड स्लेप्ट अंडर देम। एवरी नाइट, प्रत्येक रात शेर और चीते, शेर और चीते आए, केम सेकेंड फॉर्म है, और स्लेप्ट सोए, ये भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। आ ए ई का सेंस आता है, जब भी हम सिंपल पास्ट का टेंस बनाते हैं उसमें जो पहचान होती है वो होती है आ ए ई की, लेकिन सम टाइम्स होती है ता था ते थे ती थी की, बहुत रेयर केसेस में। वो आए और सोए अंडर देम, ठीक है। अंडर होता है नीचे, उनके, उनके मीन्स पेड़ के नीचे, क्लियर है। दो पेड़ थे, एक तो आम का ट्री था और बरगद का पेड़ था। वो आपस में क्या करते थे, आपस में पूरा दिन बात करते थे एक दूसरे से, ये दोनों पेड़। फिर एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स आते थे उनके पास और उनके नीचे सोते थे वो, क्लियर है। द मैंगो ट्री डिड नॉट लाइक द एनिमल्स, जो आम का
पेड डिड नॉट लाइक, कौन सा है ये? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। डिड नॉट लाइक द एनिमल्स मीन्स वो जानवरों को पसंद नहीं करता था, या उसने जानवरों को पसंद नहीं किया। किसने? मैंगो ट्री ने। क्या बोलता था? आई विल ड्राइव देम अवे, कि मैं, विल है तो गागेगी का सेंस आएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म गई है, फ्यूचर इनडेफिनिट, ठीक है। आई विल ड्राइव देम अवे। अब ड्राइव अवे का मीनिंग होता है भगाना, कि मैं उन्हें, देम मीन्स उन्हें, मैं उन्हें भगा दूंगा, भगा दूंगा। किसने बोला? मैंगो ट्री ने। ही सेड, उसने कहा, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, कि वे गरजते हैं, गरजते हैं। दे रोर लाउडली, जोर से, और स्मेल बैड, और क्या देते हैं? दुर्गंध आती है, ठीक है, बुरी दुर्गंध आती है। क्लियर है? ये किसने बोला? लायन ने बोला। द बनियान ट्री, नहीं सॉरी, ये लायन ने नहीं बोला, ये बोला पेड़ ने, ट्री ने बोला, है ना, कि मैं उनको भगा दूंगा। आई विल ड्राइव देम अवे, ही सेड, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, कि वो जब वो नीचे आते हैं, बैठते हैं उनके ट्री के नीचे, तो वो जोर से चिल्लाते हैं और दुर्गंध आती है। द बनियान ट्री सेड, बनियान ट्री ने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट डू दैट, ठीक है, डोंट डू दैट, कि ऐसा नहीं करते हैं। डोंट, डू नॉट, प्रेजेंट इनडेफिनेट का क्या है ये? नेगेटिव है। डू नॉट डू दैट, कि ऐसा नहीं करते हैं, नेगेटिव है ना ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ऐसा नहीं करते हैं। वी नीड ईच अदर, कि हमें जरूरत है एक दूसरे की, ऐसा नहीं करते हैं। जब मैंगो ट्री ने ऐसी बात बोली कि मैं उनको हटा दूंगा, भगा दूंगा, क्योंकि उनसे स्मेल आती है, तो बरगद पेड़ ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करते, हमें एक दूसरे की जरूरत है। वी मस्ट लिव टुगेदर, हमें जरूर चाहिए जीना एक साथ, हमें जरूर एक साथ जीना चाहिए। वी मस्ट लिव टुगेदर। बट द मैंगो ट्री डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जो आम का पेड़ डिड नॉट लिसन। अगेन क्या है? डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। लिसन का मीनिंग होता है सुनना, है ना, उसने नहीं सुना, नहीं सुना टू हिम, उसको, ठीक है, लेकिन आम के पेड़ ने उसको नहीं सुना। दैट नाइट द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइज, उस रात आम के पेड़ ने, ठीक है, आम के पेड़ ने क्या किया? शूक, हिलाया। शूक होता है अपने आप को हिलाना, शिवर करना। इट्स अपनी शाखाओं को, अपनी शाखाओं को उसने क्या किया? हिलाया। और मेड लाउड नॉइज, मेड मीन्स की, जोर से आवाज, जोर से उसने क्या की? मेड लाउड नॉइज, जोर से आवाज की। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, जानवरों ने सोचा, सेकंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट है, आईई का सेंस भी आ रहा है। द एनिमल थॉट, जानवरों ने सोचा, इट वॉज अ डेमन, ठीक है, कि यह था, क्या था? अ डेमन मीन्स, डेमन होता है राक्षस। इट वॉज अ डेमन, उन्होंने क्या सोचा? कि यह कोई राक्षस था, और वे भाग गए, रैन अवे, भाग गए, सेकेंड फॉर्म है। द मैंगो ट्री वॉज हैप्पी, जो आम का पेड़ था, आम का पेड़ खुश था,
ठीक है, उसको लगा कि उन्होंने उसको भगा दिया तो वो बहुत हैप्पी हुआ। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, टू वुड कटर्स, दो लकड़हारे, ठीक है, वुड कटर्स क्या होता है, लकड़ी को काटने वाले, लकड़हारे आए, केम सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है, दो लकड़हारे जंगल में आए, दे सॉ, उन्होंने देखा, सॉ मीन्स देखा, सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगी है, उन्होंने देखा, ठीक है, द आगे देखते हैं, द बिग मैंगो ट्री, बड़ा आम का पेड़, उन्होंने क्या देखा, बड़ा आम का पेड़ देखा वुड कटर ने। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, वन ऑफ देम सेड मीन्स उनमें से एक ने कहा, देयर इज नो वाइल्ड एनिमल हेयर, कि वहां यहां वहां है नहीं, मीन्स कोई भी नहीं, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली जानवर, यहां देयर इज नो वाइल्ड एनिमल हेयर, कि यहां पर कोई भी जंगली जानवर नहीं है, सो लेट्स कट डाउन दिस ट्री, सो इसलिए आओ चलते हैं, ठीक है, कट डाउन मीन्स काटने, दिस ट्री, यह पेड़ को, इस पेड़ को काटने चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी जंगली जानवर नहीं है। अब पहले होता था तो कोई भी वुड कटर हिम्मत नहीं करता था वहां जाने की, अब पेड़ मैंगो के ट्री ने क्या किया, उन जंगली जानवरों को भगा दिया। अब जो वुड कटर थे वो कहते कि चलो अब यहां तो कोई भी जंगली जानवर नहीं है, अब यहां इस पेड़ को काटने चलते हैं। दे बिगेन टू कट द मैंगो, उन्होंने शुरू किया काटना आम के पेड़ को, आम के पेड़ को काटना उन्होंने शुरू किया, बिगेन, बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है ना, शुरू करना। आई टोल्ड यू, किसने बोला, बनियान ट्री ने बोला, आई टोल्ड यू वी नीड द एनिमल्स, मैंने कहा था, टोल्ड यू तुम्हें, वी नीड, हमें जरूरत है जानवरों की, और दे नीड अस, उन्हें जरूरत है हमारी, ठीक है। उसने क्या कहा, जब वो काटने लगे पेड़ को तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि तुम्हें तुम्हें मैंने कहा था कि हमें जरूरत है जानवरों की, और जानवरों को जरूरत है हमारी, कि उन्हें हमारी जरूरत है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर, इफ मीन्स यदि या फिर अगर, हम डू नॉट हेल्प, सहायता नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, एक दूसरे की, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी कैन गेट हर्ट, तो हम क्या हो सकते हैं, हम सकते हैं, गेट हर्ट मीन्स हम दुखी हो सकते हैं, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं तो हम दुखी हो सकते हैं, सेड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। क्या मतलब था उसका कहने का, कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, कि जब तक वो साथ थे, जानवर भी आ रहे थे और वो भी, उसका पेड़ भी जानवरों का साथ दे रहे थे, और जानवर भी वहां अपना, मतलब उनको भी सहायता की नीड थी, जब तक वो साथ थे तब तक तो पेड़ बचे रहे, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया कि मतलब उसको हटाने की कोशिश की और तीसरे लोगों ने आके उसको काट दिया, है ना, तो मीन्स क्या होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हमेशा साथ रहना चाहिए, यही स्टोरी का मॉरल है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।